हे गाइस, वेलकम टू टेक एवर। और आज हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग। तो ये हमने मंगाया है अमेजोन से RGB स्ट्रिप लाइट बैकग्राउंड पर्पस के लिए, ताकि पीछे बैकग्राउंड अच्छा रहे, थोड़ा कलरफुल बैकग्राउंड रहे। तो ये तो नॉर्मल अमेजोन का पैकेज है। मैं इसे खोलता हूँ अभी और देखते हैं क्या है। तो आपने ऐसे देखा थंबनेल, और में ये काफ़ी चीप है, तो ये बिगनिंग के लिए, बिगनर यूट्यूबर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा है। हम भी बिगनर्स है। तो यहाँ पे ये तो सबसे पहले है, तुम्हारा बिल पकड़ो, कभी ज़िंदगी में तुम पेमेंट हो। ओके, तो ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो रिमोट है, सब कुछ है, 5 मीटर का। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये रिमोट, वाह कितना कूल है। ओके, तो इसका भी जल्दी से करते हैं अनबॉक्सिंग। पहले पीछे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे पीछे सारा स्पेसिफिकेशन सब कुछ दिया हुआ है, आप पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे कलर्स भी दिया गया है, वो तो रिमोट में भी ऑलरेडी है। यहाँ देख सकते हो, ये इतने सारे रेड, ग्रीन और ब्लू का कलर कॉम्बिनेशन है। इन सभी को कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे लाइट जलता है, ये वाला। तो करते हैं अब इसकी अनबॉक्सिंग। और जो भी हो, बजट चीज़ में अगर आपको इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो काफ़ी कमाल होने वाला है ये। तो मैं इसको करता हूँ अनबॉक्स। और यहाँ पे ओके, तो ये था पेपर, और ये रहा मेन LED स्ट्रिप। यहाँ पे इसका कनेक्टर है, ये पूरा लाइट, इसको भी यहाँ रखते हैं हम लोग। उसके बाद ये रहा इसका रिमोट। तो रिमोट ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन ऑफ का स्विच भी है। और ये प्लास्टिक निकालना पड़ेगा, तो अभी इसका बैटरी अब कनेक्टेड है, तो प्लास्टिक निकालना ज़रूरी है, नहीं तो ये रिमोट नहीं चलने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है एक तरह से आप बोल सकते हैं रिमोट का रिसीवर, IR रिसीवर। यहाँ से पावर जाएगा और यहाँ से ये रिसीव करेगा, और उसके बाद ये लाइट से कनेक्ट होगा। और ये रहा पावर आउटलेट का केबल, या आप बोल सकते हैं अडैप्टर। काफ़ी आप ये लोकल मार्केट में मिल जाएगा, अगर ख़राब भी हुआ तो ज़्यादा आपको टेंशन की जरूरत नहीं, लोकल मार्केट में आराम से मिल जाएगा। बस पिन आपको सही लाना होगा और कुछ नहीं। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं सेट। इन सब को मैं साइड करता हूँ। तो ये रहा लाइट 3M का, और पीछे स्टिकी पीछे से ऐसे चिपका सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, हाँ ये रहा, ये 3M का स्टिकी पैड दिया है, तो ये स्टिक कर सकते हैं आप। तो इतना कम प्राइस में अगर आपको स्टिक करने का भी अगर मिल रहा है, तो काफ़ी कमाल का प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। यहाँ पे ये रिमोट, तो चलिए यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कनेक्ट। तो दोस्तों, सब कुछ सेट हो चुका है। यहाँ पे मैंने IR रिसीवर, मेन इनपुट और लाइट सब कुछ कनेक्ट हो गया। तो इसको आगे कनेक्ट कर दो तुम, और कनेक्ट करो, लाइट ऑफ करो, देन मैं दिखाता हूँ रिमोट से मैजिक। दोस्तों, जितना पॉसिबल था हमने पूरा अंधेरा कर दिया रूम को, और यहाँ पे मैं ये रिमोट, यहाँ से मैं इसको करता हूँ ऑन, और ये हो गया ऑन। काफ़ी कमाल लग रहा है। और यहाँ पे अलग अलग इफ़ेक्ट है। तो फर्स्ट ये है फ्लैश इफेक्ट, जो अभी आप देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रोब, तो ये कुछ ऐसा है, फेड टाइप का। और उसके बाद चलिए करते हैं फेड को वापस, ये है फेड तीसरा ऑप्शन। उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन है स्मूथ, ये इतना स्मूथ नहीं है, पता नहीं क्या है, बहुत अटक अटक ही हो रहा है। आपको मे बी अब शायद सही से दिख जाए। दोस्तों, हमने लाइट बैकग्राउंड में सेटअप तो किया है, ये अभी टेम्प्रेरी सेटअप है सिर्फ इस रिव्यू वीडियो के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको रिमोट दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो ये रिमोट, आप ऊपर में देख सकते हो ऑन ऑफ का स्विच है, आप ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं, और रेड, ग्रीन और ब्लू का जितना भी कलर कॉम्बिनेशन है, वो सारा कलर्स आप इस रिमोट से ट्रिगर कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ आपको देखने मिल रहा है, यहाँ पे इफेक्ट्स का भी कुछ बहुत सारे हैं, तो वो भी मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। वेल, ये रिमोट जब आप इसे अनबॉक्स करेंगे, तो यहाँ पे प्लास्टिक का चीज़ रहेगा, उसे आपको हटाना है, वरना रिमोट कभी काम नहीं करेगा। तो लाइट सेटअप है, मैं यहाँ पे ऑन बटन दबाता हूँ, और ये है रेड कलर। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। रेड कलर मेरा उतना पर्सनल फेवरेट नहीं है, मेरा पर्सनल फेवरेट है ब्लू। तो ब्लू ये रहा ये कलर, और इसके बाद मैं यहाँ पे अगर वाइट करूँगा, तो रेड, ग्रीन और ब्लू जितने भी इसमें कलर्स है, तीनों जल जाएंगे, क्योंकि सब कलर्स को मिला के ही वाइट कलर बनता है ऑब्वियसली। तो अगर मैं यहाँ पे इफेक्ट दबाऊंगा, यहाँ पे ये फ्लैश, तो ये आप देख सकते हो कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। उसके बाद है स्ट्रोब, ओके। तो वैसे इसका IR का रेंज काफ़ी अच्छा है। मैं अगर यहाँ से भी करूँगा, नेक्स्ट है फेड, मैं अगर यहाँ से भी करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका रेंज है। तो ये पीछे बैकग्राउंड में अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है, और स्मूथ, वेल ये उतना स्मूथ है नहीं, हाँ अब हुआ। यहाँ मैं अगर मैं जैसे रेड कलर करता हूँ,
और ब्राइटनेस को मैं कर दूंगा लो, तो मे भी आपको शायद उतना पता नहीं चले, बट यहाँ से अगर आप खुद इसे खरीदेंगे तो शायद आपको पता चल सकता है ब्राइटनेस का। तो ये एकदम लोएस्ट ब्राइटनेस है, मैं इसको यहाँ पे हाई करता हूँ और तो अब शायद आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ब्राइटनेस इसका कैसा है। तो ये हो गया मैक्स पे। तो इन द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लाइट काफ़ी अच्छा है, अगर आपको 350 में इतना अच्छा लाइट मिल रहा है, वो भी एक रिमोट के साथ। नहीं, मैं अभी कलर चेंज नहीं करूँगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिमोट के साथ आपको मिल रहा है, आप यहीं से भी ऑफ कर सकते हो, यहीं से ही ऑन कर सकते हो। तो ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, हैंडी ऑप्शन है। 350 में रिमोट वाला लाइट अगर मिल रहा है तो और क्या चाहिए आपको। ये बिगनर यूट्यूब्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको ऐसा कलरफुल लाइट चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आएगा। मुझे आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा कि आपको ये लाइट कैसा लगा, आपको ये वीडियो का क्वालिटी कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को मैं मिनिमम चाहता हूँ कि 20 लाइक्स मिल जाए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों कर दो इस वीडियो को लाइक, कर दो इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको आने वाले और भी वीडियोस कमाल के मिलेंगे। ऑब्वियसली लाइट को हम और अच्छे से सेट करेंगे, तो अब आप समझ जाइए कि हमारा वीडियो क्वालिटी बहुत ही ऊपर जाने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे टेक अवे फॉर एवर। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।